निरंजन। गायत्री भाभी, भाभी बच्चे आपके पास ही है ना? हाँ निरंजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपना फोन लेके बच्चों के पास जा रही हूँ ताकि तुम उनकी आवाज सुन सको। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। पलक, तू क्या ड्रॉ कर रही है? मेरी ड्राइंग टीचर ने कहा कि फैमिली की पिक्चर बनाओ, इसलिए मैं वही कर रही हूँ। फैमिली मतलब? फैमिली मतलब पलक, बीजल, मम्मा और पापा। ये देख, मैंने सबकी पिक्चर बनाई। लेकिन पापा तो अब नहीं है। अरे हाँ, अब पापा तो नहीं है हमारी फैमिली में। मुझे पापा की पिक्चर इरेज करनी पड़ेगी। पापा की पिक्चर इरेज कर दी विरल। क्या पापा वापस नहीं आ सकते? लगता तो नहीं है कि पापा वापस आएंगे। हमारी फैमिली पिक्चर इनकम्प्लीट हो जाएगी बीजल। तक आप पर भरोसा करके मैंने दोबारा गलती कर दी। आपकी चहेती बहू के पास में और क्या वजह हो सकती है माँ जी? मुझे परेशान करने की वजह बस। इसीलिए मेरे एब्सेंस में मुझे बिना बताए मेरे बच्चों की आवाज निरंजन को सुनवा रही थी। आज आवाज सुनाई है, कल बात करवाएंगी, परसों मेरे बच्चों को निरंजन से मिलवाने ले जाएंगी और उसके बाद मेरे बच्चों को वहीं छोड़ आएंगी। नहीं रीता, रीता मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। बस दीदी बस, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और ना ही कोई बात समझनी। इतने महीनों बाद मैंने आज आप पर फिर विश्वास करने की कोशिश की थी, लेकिन आज की आज ही मुक्की खाली। अब बस मुझे माफ कीजिए। आज के बाद में कुछ भी हो जाए, मैं मेरे बच्चों को आपके हवाले कभी नहीं करूंगी और आप भी मेरे बच्चों से दूर ही रहिएगा। माँ, परिमल, तूने मुझे ठीक से बताया नहीं, क्या बातें हुई तुम्हारे निरंजन के साथ? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही इधर उधर की बात है। अच्छा, फिर तुम सब नाश्ता करने कहाँ गए थे?
नाश्ता वो है ना पिछली गली में निरंजन का फेवरेट फूड जॉइंट, वहीं नाश्ता कर लिया। अच्छा परिमल, तूने निरंजन को बताया कि मैंने उसके बारे में बुरा सपना देखा था? हाँ माँ, बताया ना मैंने उससे। फिर क्या कहा उसने? कुछ नहीं माँ, वो बस कहने लगा कि माँ को कहना कि सिर्फ एक सपना था, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा माँ, मुझे जरा अर्जेंटली जाना है, मेरे पूना के बैंक के एमडी आए हुए हैं एक हफ्ते के लिए, उनके साथ मीटिंग है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, निरंजन ठीक है। ये शर्ट तो परिमल की है, ये शर्ट पहन के वो निरंजन को मिलने गया था, इस पे ये खून, खून कैसे? मेरे निरंजन को क्या हुआ है, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? गायत्री, हाँ? तुमने माँ से कुछ कहा क्या? किस बारे में? वही निरंजन के बारे में, तुमने कुछ कहा तो नहीं ना माँ को? अरे नहीं नहीं, मैंने चाची को कुछ नहीं बोला, और भला मैं उन्हें ये बात बता के और परेशान क्यों करूंगी? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं माँ अचानक मुझसे निरंजन के बारे में कहीं कहीं सवाल पूछने लग गए, मुझे लगा शायद तुमने कुछ कहा हो, मुझे लगता है उन्हें निरंजन की याद आ रही होगी इसलिए इतना पूछ रही थी। खैर मैं चलता हूँ, वो क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा फोन शायद रूम में रह गया है, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम काम करो, मैं ले लेता। माँ, 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 समीर, उदय, माँ, माँ, गायत्री, माँ, 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 क्या हुआ माँ को? माँ, दादी, माँ क्या हुआ? माँ, समीर डॉक्टर को फोन कर। चाची क्या हुआ? समीर डॉक्टर को फोन कर, मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ जी ठीक है, लेकिन बता नहीं श्री, मैं एक अजीब सी उलझन में फंसी हुई महसूस कर रही हूँ। कैसी उलझन? जब से मैंने निरंजन के बारे में सुना है, ना चाहते हुए भी मुझे उनकी चिंता हो रही है। मैं उनसे इतनी नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी भावना उनके लिए क्यों महसूस हो रही है? Ugh.